हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा है मेरा प्रभु जी माता जी? हाँ, राधापति हरे प्रभु जी, कृष्णा, ललिता प्रिय। दंडवत। हाँ, दंडवत प्रणाम। शुरू करेंगे हम। थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ मैं। तो आज हमें ललिता प्रिय माता जी, प्रभु जी आपका ना दोनों का फेस नहीं दिख रहा है। मेरा फेस नहीं हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको प्रभु जी का। तो आज हमें हमारा रहा भाग्य है कि नामामृत में है। हमें हाँ, ललित, हाँ यस माता जी, मैं कहीं नहीं, ठीक है। ललित माता जी और राधापति प्रभु जी हमें आज नामामृत में उनका कुछ उनसे मुख से हम सुनने का हमें भाग्य मिला है। तो थोड़ा सा मैं उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। प्रभु जी 87 यानी 88 से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, और प्रभु जी का खुद का ऑटोमोबाइल बिजनेस है, और प्रभु जी का इतना डेडिकेशन है। तो मैं थोड़ा उतना इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ इसके इतना उनका डेडिकेशन बताने के लिए, फिर भी प्रीचिंग में बहुत एक्टिव है, और वो राधा गोपीनाथ मंदिर में वरिष्ठ काउंसिलर की सेवा करते हैं। वो बहुत वरिष्ठ काउंसिलर है उधर भी, और डीटी सेवा में भी वो बहुत उनका उनके वो भी वो सेवा करते हैं। और दूसरा कल्टीवेटर में जो होते हैं हमारे यहाँ, हम देखते हैं कि कैसा कल्टीवेटर ट्रेनिंग लेते, तो उसमें भी प्रभु जी का बहुत अच्छा रोल है। और सबसे ज्यादा उन्होंने जो डेडिकेशन दिया है, तो उनका एक एक लड़का और एक लड़की, आवाज गेला माता जी। अब प्रभु नाम है उनके बेटे का, तो वो राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने अपना खुद का एक, उनका दोनों का तो लाइफ दिया है राधा गोपीनाथ के लिए, लेकिन अपना खुद का एक बेटा भी उन्होंने समर्पित किया है गुरु महाराज के चरणों में। तो ये बहुत बड़ा डेडिकेशन है प्रभु जी और माता जी का। और दोनों मंगल आरती, मैं तो ललिता प्रिया माता जी का तो आपको सब मालूम है, ललिता प्रिया माता जी हमारे यहाँ बारामती में भी आई थी, जब हमने श्री राधा श्रीमती राधा रानी किचन सेवा शुरू किया था, तब ललिता प्रिया माता जी और व्रजलीला माता जी तब बारामती में आए थे। तो बहुत अच्छा गाइडेंस उन्होंने हमें दिया था, उनसे मैं खुद भी बहुत सीख रही हूँ सेवा में भी कैसा डेडिकेशन होना चाहिए। माता जी कम बात करती है, लेकिन जो कम बात करती है लेकिन इतना पूरे पूर भरा हुआ है उनमें जो भक्ति भाव और साचे उनका जो चेतना है ना, मैंने खुद बहुत पास से उनको देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मेरे लाइफ में भी वो सेवा में वो मुझे हमेशा प्रेरणा देती है। तो दोनों, और बहुत एक बहुत ऐसा है कि हमें हफ्ते में एक बार भी मंगल आरती को जाना होता है, तो हमें बहुत दिक्कत होती कि कब जाएंगे, टाइम निकालेंगे। तो मैंने माता जी का नंद दुलाल प्रभु जी से बहुत बार सुना है कि 18 साल में एक भी मंगल आरती माता जी ने मिस नहीं की है। और राधा रानी किचन कि माता जी इंचार्ज है, और वो राधा गोपीनाथ अपने राधा गोपीनाथ को इतना खिलाती है कि वो सेवा छोड़ के किधर जाती नहीं। मैंने खुद देखा है कि कितनी माता जी को वो गाइडेंस देती है, प्रेरणा देती है उस सेवा में। और इतने सालों से राधा गोपीनाथ अपने राधा रानी किचन में वो सेवा कर रही है। तो दोनों भी हमें इतने अच्छे डिवोटीज, और उनका खुद का लाइफ इतना डेडिकेटेड है, तो हमें आज उनसे के मुख से नामामृत में कुछ हरे नाम के ऊपर सुनने के लिए मिला है, तो ये हमारा भाग्य है। तो मैं दोनों को प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा हमें गाइडेंस कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। आज सुनाई दे रहा है मेरा क्लियरली? हाँ यस प्रभु जी, आ रहा है। और अच्छा, ये बताना मैं भूल गई कि प्रभु जी भी इतने वो जो प्रीचिंग का मूड है उनका, वो भी दिख रहा है कि वो इतने एक्साइटेड है हमें कुछ उनसे मुख से सुनाने के लिए। तो आज माता जी के साथ प्रभु जी भी दोनों भी हमारे लिए गाइडेंस के लिए उपस्थित है, तो इसके इसके लिए मैं प्रभु जी का स्पेशल थैंक्स बोलती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ज्यादा बात नहीं पाऊंगी, फिर भी आई विल मेक एन अटेम्प्ट। जस्ट 2 मिनट्स, थोड़ा दो शब्द बोलूंगी, कोशिश करूंगी। ओम अज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चांटिंग जपा का बारे में प्रभुपाद बोला है, 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस
डिपेंड्स ऑन अवर चैंटिंग, मतलब चैंटिंग को इतना हम लोग को एम्फेसाइज करके इतना इम्पोर्टेंस दिया है. सो एंड इसमें से हमको समझना चाहिए, हर रोज हम भगवान के लिए थोड़ा 2 घंटा समय निकाल के पूर्व, आई मीन दिल पूर्व, आई मीन होल हार्टेडली हम लोग को वो हरि नाम मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो उसमें वेरी अटेंटिवली हम लोग को चैंटिंग करना चाहिए. एक महाप्रभु बोल के, अभी महाप्रभु नहीं है, सीनियर वरिष्ठ है, वरिष्ठ वो कार रोड में रहते थे, अभी नहीं है, ही इज नो मोर. सो उन्होंने महाराज को पहला एक प्रश्न पूछा थे, चैंटिंग का, हृदय पूर्व चैंटिंग एंड जस्ट चैंटिंग, उसका डिफरेंस क्या है करके. सो महाराज ने बताया, मैं काली वेरी ब्रीफली आई विल टेल, बाद में राधापति प्रभु आपको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे. हृदय से हम चैंटिंग करेंगे, जपा करने का टाइम हमको कुछ, हमारा हृदय में ऑलरेडी अनर्थस है, लस्ट ग्रीड एंगर प्राइड एनवी इल्यूजन, ये 6 टाइप ऑफ अनर्थस है. उस भगवान को जपा करने का टाइम हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, प्रेम भक्ति मिलने के लिए ऐसा प्रार्थना करके जपा करना है, मतलब हम लोग को फोकस करने का टाइम कृष्णा में पूरा अनर्थ में डूबा हुआ हूँ. मेरा ये काम क्रोध मत्स ये सब मेरे को छूट के बाहर आना है. सो आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस, आई वॉन्ट प्योर डिवोशनल सर्विस, प्रेम भक्ति चाहिए. आपका कृपा चाहिए बोल के लिटरली वो एक बच्चे मम्मी के लिए कैसा रोते है माँ के लिए, ऐसा हम हृदय पूर्व हम जपा में भगवान का श्रद्धा से हम जब ट्राई करेंगे, 100% भगवान का कृपा मिलेगी. एंड जपा में क्या है, हम भगवान को पूछ रहे हैं हमको सेवा में लगाओ, प्लीज एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस. सो भगवान का रेसिप्रोकेशन डेफिनेटली होगा. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज हमको एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड, जपा का टाइम में हमको मोबाइल जो भी है वगैरह वगैरह जो भी 100 थिंग्स है हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्या नहीं है, इतना है इतना है, हमको सब पूरा हटा के कम से कम 2 घंटा बैठ के फुल्ली फोकस्ड ऑन चैंटिंग. सो वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, सब लोग भगवान का कृपा के लिए हम लोग को हर रोज स्ट्रगल करके हम लोग को आगे बढ़ रहे हैं. सो आई एम ऑल्सो प्लीडिंग फॉर वैष्णवस मर्सी. सो अभी मैं राधापति प्रभु को आगे बढ़ने को बोली, प्रभु जी बात करेंगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन् विदितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्विताम् सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणान्विताम् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सबसे पहले उपस्थित सभी भक्तों का, भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम और दंडवत प्रणाम। और मैं आप सबके अनुमति से कुछ बोलने का प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसी बात करूं जिससे कि भगवान की प्रशंसा हो, यानी कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड, और साथ साथ उसमें खास करके मेरा शुद्धिकरण हो। यही मेरा बहुत ही विनम्र प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरू करेंगे। या तो मैं इतना भी पूछूंगा, अगर आप में से किसी का कोई खास प्रश्न हो, कोई ऐसी विचार हो, कोई बात है जिसके बारे में आप चर्चा उठाना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हो। नहीं तो जो शुरुआत ललिता प्रिया ने किया है, वहीं से मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं एक मिनट रुक जाता हूँ। आप में से किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, फिर कोई खास प्रश्न हो, तो वहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। I'll have to change the settings, Broji. हाँ Because हाँ बोलिए। I'll just change the setting. ओके Question session later. हाँ, so the yeah that can be done. Question can be later. It's okay. ठीक है। तो आई कैन जस्ट डू वन थिंग, आई कैन कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। तो मैं हिंदी में बोलूंगा, दैट इज बेटर ना, हिंदी में बोलूंगा। Yes, 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 Broji. ठीक है। तो देखिए, अभी हम चैंटिंग क्यों करते हैं? सबसे पहले इसके बारे में हम एक प्रश्न अपना शुरू करेंगे। तो चैंटिंग, जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि 99% हमारा जो प्रगति है वो चैंटिंग पर ही निर्भर है, और बाकी सब जो करते हैं जैसे कि डेली वर्शिप, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी क्रियाएं हैं, ये सब मिलके 1% में अंदर आता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि चैंटिंग का महत्व कितना है। और अगर कोई भी इस्कॉन मंदिर में कोई भी नया एक व्यक्ति चला आता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके हाथ में एक माला दे देते हैं और वहीं से उसकी शुरुआत कराते हैं भक्ति की। तो ये जो क्रिया है चैंटिंग का, इसका इतना प्राधान्य है, इतना महत्व है। तो हम जरा इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में जाकर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगवान ने स्वयं कैसी लीला रची, उससे हम शुरुआत करते हैं कि हम जो लीला, हम जो कार्य करते हैं, हम हमारी बातें लीला नहीं होती, हमारा कार्य जो है वो कर्म होता है। हम कर्म के वश इस संसार में आए हैं। जैसे कि एक जेल खाने में कोई कैदी आता है, तो वो कुछ गुनाह करके फिर बाद में कैद खाने में उसको प्रवेश जबरदस्ती करना पड़ता है, उसी प्रकार से हम लोग आए हैं। पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपनी स्वइच्छा से आते हैं, और जो कार्य करते हैं वो किसी के आवेश में आके नहीं, पर अपनी स्वइच्छा से, वो पूरे स्वतंत्र है, पूरे अपने इच्छा के मालिक वो स्वयं है, तो वो करते हैं। तो भगवान हर काल में, हर युग में आकर वो भी यही बात हमें समझाते हैं कि हम फोकस हमारा हमारे अनर्थों को निकालने में होगा। और ये अनर्थ कितने प्रबल है, ये एक छोटी सी घटना से हम समझ सकते हैं। एक घटना नहीं है, ये घटना जो है ये चारों युगों के ऊपर बटा हुआ है। इट इज सच अ वाइड स्प्रेड एक्टिविटी द लॉर्ड हैज डन, कि ही हैज स्प्रेड इट ओवर ऑल द 4 युगास। तो पहले शुरुआत करते हैं हम सत्य युग से। सत्य युग में भगवान के कई अवतार हुए, उसमें खास करके दो अवतार हैं, वो है नरसिंह देव और वराह देव। तो वैसे तो सबसे पहले शुरुआत हुई मत्स्य अवतार से, अब आप तो जानते हैं।
कि भगवान मत्स्य बन के आए और जो प्रलय के बाद में जितने भी जीव है उन सबका उन्होंने उद्धार किया, उनका फिर से पुनर क्या कहें पुनर स्थापना शुरू की उन्होंने और उन्हें इस संसार में बसाया, तो वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। तो वैसे एक-एक करके उनके अवतार आने लगे, तो है मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार वगैरह वगैरह करके करके फिर बाद में आ जाता है वराह अवतार और नरसिंह अवतार। तो वराह इसलिए क्योंकि भगवान ने वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को, जहाँ हिरण्याक्ष ने एक कीचड़ में अपने स्थान से हटाकर नीचे फेंक दिया था, वहां से उसे पुनर अपने स्थान पे पुनर्स्थापित करने के लिए वराह बन के आए। और क्योंकि कीचड़ में केवल जिसे हम मामूली भाषा में सुअर कहते हैं वही जाता है, तो उसी रूप में आए, क्योंकि भगवान जो भी रूप में हो उनकी जो शक्तियां हैं वो कभी कम नहीं होती। तो उन्होंने पूरे पृथ्वी को अपने क्या बोलते हैं उसे सिंह के ऊपर उठा करके अपने जगह पर स्थापित किया। ये कोई साधारण व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, और भगवान ने वो कार्य कर किया और सभी जीव जंतुओं को भी अपने अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। और इस यहाँ से उनकी लीला शुरू होती है कि उन्होंने सबसे पहले हिरण्याक्ष का वध, क्योंकि हिरण्याक्ष ने भगवान को चैलेंज किया कि तुम ये कैसे कर सकते हो, मैंने फेंका हुआ तुमने वापस कैसे लाया, तो उन्होंने उसे अपना स्थान दिखा दिया कि भाई तुम कौन हो पहले अपना स्थान समझो और फिर कुछ भी बोलो। इस तरीके से एक ही थप्पड़ में उसे साफ सुला दिया। जो हिरण्याक्ष इतना प्रबल था ये पूरे पृथ्वी को उठा के नीचे फेंकने की उसकी ताकत थी, उसे बस सीमित कर दिया उसके लिमिट के अंदर कि भाई तू एक साधारण जीव है, उससे आगे बढ़कर तू कुछ भी नहीं है और तू भगवान को अभी नहीं जाना है करके उसे अपने स्थान पर स्थापित कर। तो इसके बाद हिरण्यकशिपु उसका छोटा भाई, तो उसने चैलेंज उठाया, अरे तूने मेरे बड़े भाई को इस तरह से समाप्त किया, अभी मैं नहीं छोड़ूंगा। वो आ गया सामने और उसका बेटा प्रहलाद, प्रहलाद तो भगवान का बड़ा भक्त, और भगवान को प्रहलाद स्तुति करता है और हिरण्यकशिपु भगवान को गाली देता है। इस प्रकार से इन दोनों के अंदर विपक्ष में खड़े हैं एक दूसरे के। फिर हिरण्यकशिपु ने जब ये चैलेंज किया प्रहलाद को मारने का और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान तत्पर थे, तो जब भी उसने कहा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे के अंदर निकलेंगे, तो प्रहलाद ने कहा ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरे भगवान नहीं होते, और खंभे से प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकशिपु का भी उद्धार किया। मगर ये दो कौन है ये हमें समझना है, तत्वतः ये दोनों कौन। हिरण्यकशिपु जो है वो लोभ का प्रतीक है और हिरण्याक्ष जो है वो मद का प्रतीक, प्राइड, प्राइड यानी मद। तो देखिए ये छह अनर्थ जो हमारे हृदय में घुस के बैठे हैं, ये नित्य लीला है इनकी, इनकी जो लीला है नित्य लीला है, और ये सारे भगवान के पार्षद है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये हमें समझना है। और ये सारे भगवान के पार्षद है इसीलिए यही भगवान के सामने मुकाबला कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये जो है यहां से शुरुआत होती है, ये छह अनर्थ जो है ये हमारे हृदय के अंदर घुस के बैठे, जो सारे ब्रह्मांड में हमें दिखता है वो सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो इसीलिए भगवान यहाँ से शुरू करते हैं, हमें बाहर से सबक सिखाते हैं और हमारे भीतर को कैसे साफ करना वो हमें समझा। तो लोभ और मद ये दो अनर्थ, ये दो भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान ही उनका समाप्ति कर सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति उनको मुकाबला भी उनका नहीं कर सकता। इसीलिए तो उन्होंने सारे देवलोगों को भी जीत दिया था और सबको अपने काबू में रखा था, यानी कि हम भी एक साधारण जीव है और ऐसी प्रबल शक्तियों के सामने हम अपने आप में टिक नहीं सकते, ये भगवान ने हमें सबक शुरुआत से दी है।
तो ये सत्ययुग से उन्होंने अपनी ये लीला शुरू की और ये कलयुग तक ये लीला धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ी। तो अभी हम चलेंगे सेकंड स्टेज पर, यह सत्ययुग की बात हो गई, अब चलेंगे हम त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान के कौन से प्रबल अवतार थे, कोई बोलेगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप भी उस तरफ है और सुन रहे हैं। कोई कोई जरा अपना म्यूट अनम्यूट करके जवाब देगा, त्रेता युग में भगवान के सबसे प्रबल अवतार, प्रमुख अवतार कौन सा था? हाँ बोलिए, कोई तो बोलिए। चैट बॉक्स मध्ये टाकू शकता, सेटिंग चेंज नसेल केलेलं. श्रीराम श्रीराम, बिल्कुल भगवान, माताजी काय आहे एक. पार्डन मी। तो थँक यू माताजी. श्रीराम ये भगवान के प्रमुख अवतार त्रेता युग के। तो श्री राम ने किसका मुकाबला किया? रावण और कुंभकर्ण। तो रावण किसका प्रतीक है? वो काम का प्रतीक है। और कुंभकर्ण किसका प्रतीक है? मोह का प्रतीक। तो देखिए, काम क्रोध लोभ मोह, ये चार हो गए अभी तक। तो इन दोनों का वध भी स्वयं भगवान राम ने ही किया, और उससे कम कोई उनका वध कर नहीं सकते थे, इतने शक्तिशाली थे। इसीलिए तो उनकी पूरी दुनिया पर धाक जमी हुई, कोई उनका मुकाबला नहीं कर किया कर सकता था। पर रावण ने अपने अहंकार में जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, बहुत कड़ी तपस्या करके वरदान मांगा, और उसने तो अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले, वो तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें, मैं खुद अमर नहीं हूं। तो फिर उन्होंने इतना कंडीशन डाल दिया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। रावण वैसे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्रों के में बहुत निपुण है, फिर भी देखिए जब कोई भगवान के विरुद्ध जाता है तो उसकी सारी निपुणता सारी पंडिताई श्रम, केवल श्रम ही हो जाता है, श्रम एव ही केवलम कहते हैं। तो रावण ने क्या किया? रावण ने नहीं, वो तो हिरण्यकश्यपु की बात है, उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस, रावण ने बोला बस ये नर ना और वानर को छोड़ के बाकी कोई मुझे नहीं मार सके, ऐसा वरदान। क्योंकि उसने सोचा ये नर वानर मेरे सामने क्या मुकाबला करे, मैं तो उनको अपने पैरों तले ऐसे कुचल दू, इतना अहंकार था उसमें। तो भगवान श्री राम नर के रूप में आए और भगवान शिव जी वानर के रूप में हनुमान बन के उनके साथ, और उनका साथ देने के लिए बलराम जी लक्ष्मण बन के। तो इस प्रकार से भगवान ने नर का रूप धारण करके, तो इसीलिए भगवान श्री राम का जो अवतार है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा क्यों? क्योंकि वो एक मानव की मर्यादा के अंदर ही उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, उसके बाहर नहीं गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ऐसी कोई क्रिया उन्होंने नहीं करके दिखाई जिससे कि कोई बोले कि भाई ये तो नर नहीं है, ये तो भगवान। तो उसके अंदर ही अपनी सारी शक्तियों को सीमित रखा उन्होंने, और उसके अंदर ही उन्होंने अपना कार्य किया। ही वॉज विद इन अ लिमिटेड कैपेसिटी ही वॉज वर्किंग, ये भगवान श्री राम की बड़प्पन है। तो मगर वो नर के रूप में ही उन्होंने रावण का संहार किया, और रावण कौन था? वो काम का प्रतीक था। और उनको तो छोड़ो, उसने कई सारी स्त्रियों को उठा के लाया था, पर एक जो स्त्री को उसने उठाने की हिम्मत की वो स्वयं सीता थी, और वो भगवान राम की अर्धांगिनी। तो ये उसकी क्या कहेंगे हम, हिम्मत या धाड़स जो बोलेंगे उसमें थी, कि भगवान का भी विरोध करने के लिए वो तत्पर हो गया, अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ। कितने लोगों ने उसे समझाया, उसकी स्वयं उसकी पत्नी उनका नाम क्या है, गांधारी नहीं, हाँ उनकी पत्नी, उन्होंने समझाया, और विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, मगर किसी की बात उसने स्वीकार नहीं की, और वो युद्ध पर उतर आए। युद्ध पर भगवान श्री राम ने उसका संहार किया और कुंभकर्ण का भी संहार किया, ये दोनों इतनी प्रबल थी। इसके बाद हम आते हैं अभी द्वापर युग में। द्वापर युग में सबसे प्रमुख अवतार भगवान के कौन से थे? सबसे प्रमुख अवतार भगवान के कौन सा है, कोई तो जवाब दीजिए, कोई तो कुछ आगे थोड़ा बात बढ़ाइए। हरे कृष्णा।
श्री कृष्ण मैसेज हाँ दिया है, वो म्यूट है ना सब, इसीलिए बोल नहीं सकते, अच्छा ऐसा लेक्चर है में क्या, श्री उनको। हाँ कृष्ण, ओके ओके ठीक है। अच्छा माता तो जी ने देखिए, बुलाया भगवान है। श्री कृष्ण हम जानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे दो कौन से असुरों का वध किया, वो है। हरे कृष्ण, हाँ इफ यू आई वांट इंटरेक्टिव, आई चेंज द सेटिंग प्रोजी, जस्ट अ सेकंड, यू विल हैव टू जस्ट वन ओके okay. सेकंड ना, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सेटिंग चेंज के लिए होते का बगा बरा एकदम अलका माता जी अनम्यूट होते ना। हाँ, सॉरी अजून पण तुम्ही अनम्यूट करून उत्तरं देऊ शकता सगळे जण। तुझी आपको खाली अनम्यूट करना हाँ पडेगा। राइट हाँ राइट किया, यस यस वन ओके सेकेंड। ओके वन मिनट है ना। तो देखिए वो थे, कोई बताएगा कौन से दो असुर जिनका भगवान कृष्ण ने ऐसा वध किया। ऐसे तो बहुत सारे असुरों का वध किया, मगर शिशुपाल, हाँ शिशुपाल, शिशु अरे यस शिशुपाल, और दूसरा कौन, दंतवक्र, करेक्ट। हम तो सब जानते हैं, फिर भी ये इसीलिए हम दोहराते हैं कि ये जो इसका तत्व हम पकड़ सके। तो शिशुपाल किसका प्रतीक ईर्ष्या का है, ईर्ष्या का प्रतीक है, और दंत वक्र, दंत, क्रोध का प्रतीक। क्रोध इतना गुस्से से अपने दांतों को दबाता था कि उसके दांत सारे टेढ़े हो गए थे, इसलिए उसका नाम है दंत वक्र। जैसे कि अष्टवक्र ऋषि थे, वो 8 जगह पर उनकी बैंड थी, तो इसीलिए उनका नाम दंत वक्र हुआ। इतने क्रोध, इतना क्रोध कर आता था उसको, तो इनका भी संहार भगवान ने ही किया है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये 6 शक्तियां जो है, ये हमारे अंदर भी छुपी हुई, हमारे हृदय के अंदर उनको स्थान दिया है, क्योंकि जो बाहर का बड़ा ब्रह्मांड है, वही हमारे अंदर भी उसी का रिप्लिका है। तो अंदर भी ये 6 प्रबल शक्तियां हैं, जो अनर्थ जिसको कहते हैं हम, जो नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा। तो वो क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हमारे मंदिर में प्रेम निधि प्रभु ने इसका अच्छी तरीके से इंग्लिश में एक क्या कहेंगे, एब्रिविएशन यानी एक्रोनिम बनाया है, और वो है आई पागल। आई का मतलब है इल्यूशन, पी का मतलब है प्राइड, ए का मतलब है एंगर, जी का मतलब है ग्रीड, ई का मतलब है एनवी, और एल का मतलब है लस्ट। तो आई पागल आप याद रखेंगे तो आपको ये 6 के 6 याद आ जाएंगे, और ये 6 जो है मनुष्य को पागल बना देते, तो इससे बचना है। तो इसीलिए और हर युग में आके भगवान ने बताया है कि ये शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि इन शक्तियों का सामना केवल भगवान ही कर सकते हैं, उनका शमन केवल भगवान ही कर सकते, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। अभी हम ठहरे साधारण जीव, हम जब साधारण, 1 मिनट, हम ठहरे साधारण जीव, तो हम में ये शक्ति कहां से आएगी, हम इनका मुकाबला अपने जीवन में कैसे करेंगे। इसीलिए हमें भगवान की आश्रय लेनी, जब भगवान हमारे साथ हो और वो हमारे रक्षक बने, तब हमें कोई चिंता नहीं होती है। तो भगवान को हम अपने हृदय में बुलाते हैं, मगर भगवान ने वो काम भी बहुत आसान कर दिया। कैसे किया, उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल दिया। जब कोई किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो एक लिफाफे में रुपयों के नोट रख के उसे बंद करके देता है, तो वो लिफाफा फिर कोई मामूली लिफाफा नहीं है, वो नोट से भरा हुआ है, तो उसका मूल्य कितना बढ़ता हुआ है, कितना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से भगवान ने अपनी सारी शक्तियां तत्रार्पिता, अच्छा तो भगवान अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल के दे दिया है। और क्या, और उन्होंने कहा केवल मेरा नाम लो, और वो नाम कैसे रहना चाहिए, विदाउट एनी ऑफेंस, यानी विदाउट एनी, हिंदी में क्या बोलेंगे विदाउट एनी ऑफेंस के लिए, कोई अपराध बिना, कोई अपराध किए बिना भगवान के नाम को लेना चाहिए।
तो इस प्रकार से ये जपा का वही मतलब है कि हम भगवान का नाम प्रेम से, पूर्ण हृदय से, विदाउट एनी ऑफेंस, यानी कोई अपराध किए बिना, नाम अपराध को अवॉइड कर भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान की शक्तियां हमारे हृदय में प्रवेश करती, और एक-एक करके इन छह शत्रुओं का विनाश कर सकती है, करती है। तो इसका प्रमाण क्या है? हम बोलेंगे तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर हमारे जीवन में लागू कैसे हो सकता है? हम भी तो नाम लेते हैं, मगर देखो ना कितने सारे लोग कितने सारे पाप कार्य में लगे हैं। एक्चुअली एक व्यक्ति ने यही प्रश्न पूछा मुझे एक भगवद गीता लेक्चर में, जब मैं मंदिर में लेक्चर दे रहा था, तो उसने बोला आप बोलते हैं हमको माइंड कंट्रोल करना है, हमको अपने इंद्रियों को काबू में रखना है और इन अनर्थों को जीतना है, मगर हमने देखा है कि सत्य युग में भी नहीं, त्रेता युग में विश्वामित्र मुनि थे, उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, फिर भी मेनका के चुंगुल में आ गए और रंभा के चुंगुल में आ गए। तो ये सब क्या है? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जब भी कर नहीं सकते, तो हम किस खेत के मूली हैं, हम कैसे करेंगे ये? ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तभी मैंने यही कथा बताई उनको कि बोलो देखो भगवान जो है, आप जब भी बोलते हैं कि पिछले युगों में जो नहीं कर सके, तो उन्होंने युग युगांतर में ये करके दिखाया कि इन छह अनर्थों की जो प्रतिनिधित्व जो है, ये छह असुरों ने किया है, और इन असुरों का संहार उन्होंने करके हमें एक स्थापित किया उदाहरण हमारे सामने, ताकि हमें विश्वास बैठे उनकी बातों पर कि हाँ भगवान के नाम को लो। अभी मैं आपको एक साधारण अभी एक उदाहरण भी देता हूँ, जैसे कि हम शास्त्रों से हमने ये छह उदाहरण लिए हैं कि ये क्या कहेंगे हम, अनर्थ क्या है। अभी मैं अपने दैनिक जीवन का एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति है, अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊ, मगर करीबन 2000 के आसपास, 2000 साल, दैट इज द ईयर 2000, तभी वो हमारे मंदिर से जुड़ गए। धीरे धीरे मंदिर में आए थे, एक दिन नहीं, पहली बार एक बार मंदिर आए, और हम लोगों ने तभी एक प्रोग्राम रखा था, संकीर्तन प्रभु एक प्रोग्राम करते थे नए लोगों के लिए, हर फ्राइडे को एक छोटा प्रोग्राम होता था। तो ये भी आज का प्रोग्राम भी फ्राइडे का ही है, तो एनीवे तो मुझे वो पुरानी बात याद आती है। तो ये प्रभु जी आए थे और बहुत शांति से बैठ के सब सुन रहे थे, तभी हमें पता नहीं था ये कौन है क्या है, पर बाद में पता चला सेंचुरी मिल्स, आपने नाम तो सुना होगा, बिरला का बड़ा मिल, और इस मिल के प्रोडक्शन इंचार्ज थे, तो इंजीनियर थे, मगर उनकी एक आदत थी कि वो रोज शाम को अपने घर में अपने दोस्तों को, ऑफिस के दोस्तों को बुला लाते थे और उन्हें बोलते थे आओ मेरे घर में हम एंजॉय करेंगे, और बिठा के बोलते थे मेरे घर में चाय नहीं मिलेगी, कॉफी नहीं मिलेगी, आपको वोडका चाहिए, क्या जिन चाहिए या रम चाहिए या ब्रांडी चाहिए, जो नाम पसंद करो वो बोलो, मेरे पास सब कुछ है। और जैसे हम भगवान का ऑल्टर खोल के लोगों को दर्शन दिलाते हैं, वैसा अपना वो बार का दरवाजा खोल के ये सारे बोतलों का दर्शन कराते थे, और बोलते थे देखो इसमें से चूज करो, ब्रांडेड है सब, आपको जो चाहिए ये आपका है, बस ऐश करो, आराम करो, एंजॉय करो, ऐसा बोलते थे। अभी एक दिन उनके बॉस ने बुलाया उनको, बोला बेट क्या करते हो तुम, अपने जीवन भी बर्बाद करते हो, दूसरों का भी बर्बाद करने पे तुले हुए हो, छोड़ो ये सब। तो उन्होंने ऐसा उठ के जवाब दिया, साहब शाम को 6 बजे तक मैं आपका नौकर हूँ, उसके बाद में मैं अपनी मर्जी का मालिक, मैं जो चाहे वो करूंगा, आप मुझे कुछ बोल नहीं सकते, ये मेरी आजादी है, मेरी स्वतंत्रता है, आप इसके बीच में नहीं आ सकते, ऐसे बोल के उन्होंने उनको चैलेंज, वो भी चुप हो गए क्योंकि बात सच्ची है, शाम के टाइम पे वो अपने घर पे, और मैंने अपने काम में कोई कमी है तो मुझे बोलो, जॉब से भी निकाल सकते, काम तो बहुत अच्छा प्रामाणिकता से करते थे जॉब, उसके बॉस भी चुप हो गए। अभी यही व्यक्ति अपने मंदिर में प्रवेश किया उन्होंने, और आपको मालूम है अभी इस्कॉन में आया तो सबसे पहले हाथ में क्या देते हैं लोग, भगवान का माला देते हैं और भगवान का नाम देते हैं। मंदिर से कोई लेके जाएगा तो क्या ले जाएगा, भगवान का नाम ही ले जाएगा, वही तो सबसे बड़ा भेंट है जो हम किसी को दे सकते। तो उन्होंने वही किया, भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, और देखो जैसे कि हम बोलते हैं ना फिल्मों में दिखाते हैं सीन 1, सीन 2, सीन 3, तो उनका जीवन आगे बढ़ता गया, कुछ साल बीत गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बीत गए, यहाँ तक उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। अभी उन्होंने अपने घर में
भगवान की डेटिस का आगमन किया था। ही हैड वेलकम द डेटिस टू हिज हाउस, और उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। और अभी भी वो क्या लोगों को बोलते हैं, आओ मेरे घर में, और भगवान का वो पट खोल के दर्शन देते हैं लोगों को, और बोलते हैं मेरे घर में चाय नहीं मिलेगी, कॉफी नहीं मिलेगी, आपको प्रसाद मिलेगा, मिल्क शेक मिलेगा, जूस मिलेगा, जो चाहिए वो। देखो ये जीवन में परिवर्तन कैसे आया, केवल नाम के बल। इतने सारे दुर्गुणों से वो भरे हुए थे, वैसे वो व्यक्ति अच्छे थे, उनके मन में कोई कपट नहीं थी, कोई छल नहीं था, जो भी करते थे ओपनली करते, मगर वो समझे नहीं थे, उनको समझाने वाला कोई मिला नहीं। पर जब मंदिर आए और मंदिर में सारी शिक्षा पाई, भगवद गीता का संदेश मिला, भक्तों का संग मिला, प्रभुपाद के दर्शन मिले, राधा गोपीनाथ का दर्शन मिला और प्रसाद पाया उन्होंने, ये सभी चीजें थोड़ा थोड़ा करके उनके हृदय में परिवर्तन लाने में मदद किया। और सबसे प्रबल शक्ति क्या थी उसमें, भगवान का नाम। जो भगवान का नाम मंत्र जाप के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश कर गया, उसके परिणाम से क्या हुआ, उनके अंदर की जो ये सारी विपत्तियां यानी कि अनर्थ जो भरे हुए थे, एक एक करके वो उनका शमन हो गया। अभी देखिए चैतन्य महाप्रभु का रोल यहाँ पर आता है, वो कलयुग में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, वो भगवत धाम के अग्निशमन दल है, ये महामंत्र जो है यही उनका यंत्र है। और ये महामंत्र से वो जो हम जो रोज सुबह क्या गाते हैं, संसार धावा नल, ये संसार क्या है, एक धावा नल है, धावा नल यानी फॉरेस्ट फायर, इसमें हम फंसे हुए हैं और हम जल के राख हो जा रहे हैं, यानी हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, फॉरेस्ट फायर को कोई फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकता, उसको तो भगवान का ही फायर ब्रिगेड चाहिए। वो क्या है, घन घनात्व यानी कि मेघ, बारिश, वर्षा, वर्षा ही फॉरेस्ट फायर को बुझा सकती है। तो यही तो भगवान ने भी किया है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने अपना अग्निशमन दल लाया, और उनके अग्निशमन दल में कौन है, उनके सारे पार्षद, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर, और कितने सारे पार्षद उनके साथ आए, मुरारी गुप्ता, ये सब उनके साथ आए थे। उन्होंने क्या किया, नाम का प्रचार किया, हर गली हर गांव हर घर में जाके लोगों को भगवान का नाम दिया। और उन्होंने भविष्यवाणी किया कि पृथ्वी ते आचे यदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइ बे मोरा नाम, तो उन्होंने नाम का प्रचार, और उसके लिए उन्होंने भविष्यवाणी ये भी की, एक वक्त आएगा जो हमारे मोर सेनापति मेरे सेनापति रहेंगे, वो आकर के ये नाम को हर गली हर गांव में पहुंचाएंगे। और वही हुआ, प्रभुपाद जी आए हमारे समय के, और उन्होंने आकर हर गली हर गांव और हर स्थल में ये नाम को पहुंचाया, और इसके परिणाम से आज हम भी इससे पवित्र हो गए हैं, केवल इस नाम को धारण करके, इसे अपने जीवन में स्वीकार करके, हमारे जीवन में भी वही परिवर्तन हम देख रहे हैं कि हम में से हर एक उसका साक्षी है कि हमारे जीवन में हम नाम जप करने के पहले क्या थे और नाम जप करने के बाद में हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा। और अगर वो नहीं पड़ा तो इसका मतलब है हमने भक्तों का काफी संग नहीं लिया है, ये भी बहुत ही आवश्यक, भक्तों का संग लेना और शास्त्रों का पठन करना, ABCD एसोसिएशन ऑफ सीनियर डिवोटीज यानी भागवत कथा सुनना, फिर इस प्रकार से जो सारे जब हम करेंगे नियमों का पालन करना, जब ये सब हम करेंगे तो हमारा जीवन क्या कहेंगे हम, निरर्थक नहीं रहकर वो अर्थ अर्थ से भरा हुआ हो जाता है। उसके लिए व्हाट इज द राइट वर्ड, ओके, तो एनीवे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, दैट इज द वर्ड आई वाज सर्च, हमारा जीवन निरर्थक नहीं रहता है पर सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन सफल बन जाता है। सफल का मतलब क्या है, जो पेड़ में फल लगा रहता है उस पेड़ को सफल बोलते हैं, यानी फल वाला पेड़, ऐसा मतलब है उसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग सफल इस शब्द का मतलब। और सफल का मतलब जब भी पेड़ में फल लगे तो वो पेड़ काम का है, नहीं तो वो काम का नहीं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर भक्ति का फल लगे तो हमारा जीवन काम का है, और भक्ति की क्रिया को पाने का तरीका है भगवान का नाम बचा, यही सरल उसका मतलब। धन्यवाद, हरे कृष्ण। अब आप में से कोई कुछ
इसके बारे में आगे बात को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम इसको बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रोजी, आपने इतना अच्छा हमको चैंटिंग के बारे में बताया पूरा। अजुने गोष्ट ऑफ जस्ट माता जी ने आई थिंक संगीते का नाम लक्षात नहीं, पर दोगांचाही खूप शतश आभार। आपल्याला ते दोघंही लाईक एक वडीलधारी नात्याने प्रभूजीने आज आपल्याला एवढं खूप छान सांगितलं। आणि एक जस्ट गोष्ट शेअर करायची होती की माताजी आणि प्रभूजी दोघं पण गेले कित्येक वर्ष दररोज न चुकता राधा गोपीनाथची मंगल आरती अटेंड करतात, न चुकता डेली, पाऊस असो ऊन असो थंडी असो। कधी कधी कसं असतात ना की खूप वर्ष कन्सिस्टंटली एकच गोष्ट करणं, म्हणजे ती छोटी असू देत मोठी असू देत, पण कन्सिस्टंटली दररोज एक गोष्ट करणं ह्याला अपरिमित महत्व आहे। नाहीतर कसं असताना इनिशियल एन्थुझियाझम होतो ना, उत्साहाच्या भरात खूप गाड्यांच्या गाड्या सगळ्यांच्या फास्ट जातात, मग परत स्लो होतात परत। पण प्रभूजींची आणि माताजींची दोघंही स्टेडीली, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मधला सगळ्यात महत्वाचा गुण आहे स्टेडीनेस, स्टेडीली ते वर्षानुवर्ष दररोज राधा गोपीन बाकीच्या सेवा करतातच, त्याचा काही प्रश्नच नाही, पण दररोज ते न चुकता नित्य नियमाने ते मंगल आरती देतात। तर त्यांच्याकडून आपण प्रेरणा घेऊयात की आपण देखील आपल्या मंदिरामध्ये जो रविवारचा जो मॉर्निंग प्रोग्राम आपण सुरू केलाय भागवतम आणि मॉर्निंग प्रोग्राम, तर त्याच्याकरिता आपण पण असं त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन स्टेडीली आपण दर रविवारी सर्वजण येण्याचा प्रयत्न करू। सो थँक्यू बोथ ऑफ यू प्रोजी, आय विल हरे विश कृष्ण। या या यस। एंड प्रोजी आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत बरस पहले हम लोग बॉम्बे में आए थे बारामती के ग्रुप्स लेकर, है ना, यू रिमेम्बर? यस तो आप ही थे, आप हमको सबको आई थिंक जुहू टेम्पल लेके गए थे। ओ आई सी, अच्छा अच्छा ओके या आई रिमेम्बर ओके मेनी मेनी इयर्स बैक। या सो थैंक यू सो मच प्रोजी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन, थैंक्स। पण मी नुसतं पुन्हा एकच म्हणतो आपल्याला, तुम्ही म्हणत होते की हे दोघे मंगल आरती मध्ये जातात, पण खरं म्हणजे ती एकटी जाते आणि हा मी हा भागवतम ला जातो। अरे हा कृष्ण, माताजी आई नो बट मुझे लगा आई थॉट की यू आल्सो वुड बी नाही नाही शी दॅट इज हर स्पेशालिटी, सो स्पेशालिटी। या या बट आय आय फॉलो अ लिटल लेटर। आम्ही यस शिफ्ट मध्ये काम करतो। अरे कृष्ण, कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा याच्यावर, किंवा अजून काही तुमच्या मनामध्ये असणारे प्रश्न तुम्ही विचारू शकता। सेटिंग चेंज केलेले ना माताजी? हो हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माताजी विचारू शकते प्रश्न? हो विचारा ना माताजी। यस प्रभुजी और माताजी दोनों को दंडवत प्रणाम। और बहुत अच्छा बताया आपने, एक सीधा एक तरीका बताया, और वो जो बताया आय पागल, वो तो सच में ये सच है कि ऐसा होता है, ये जो 6 अनर्थ रहते हैं हमें, और उसके ऊपर जो आपने बताया कि भगवान ही उसको दूर कर सकते हैं, ये जो कन्विक्शन आप में है वही हमको आपने आज दे दिया, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और ये जो 6 अनर्थ है उसको जूझने के लिए भगवान का नाम ही लेना जरूरी है। ये जो आपने बात बताई, तो हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, ये कन्विक्शन को, और कैसे उत्साह पूर्व हरि नाम ले सकते हैं, ये थोड़ा और बताएंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु जी। थोड़ा देखिए, करना है आप आपसे कि आपने कैसे हरि नाम लेना शुरू किया, पहली बार जब आपने हरि नाम लिया तो आपको कैसा फीलिंग आ गया? ठीक है, मैं अपने अनुभव से आपको कुछ शेयर करूंगा। यस देखिए, प्रभु। मैं 1990 में पहली बार मंदिर आया, और तभी मुझे कुछ पता नहीं था ये अच्छा मंदिर की गतिविधियां क्या है। बस ये तो भगवान की कृपा थी, अहैतु की कृपा बोल सकते हैं, कि उन्होंने किसी के माध्यम से मुझे मंदिर पहुंचा दिया।
और सीधा मेरा प्रवेश हुआ JOST यानी कि जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, वो जो 6 दिन का कोर्स होता है, तो उसमें मेरा सीधा प्रवेश हुआ। इतना अच्छा लगा मुझे कि जो प्रश्नों के उत्तर मैं ढूंढ रहा था अपने जीवन में, कि एक स्थिरता पाने की कोशिश कर रहा था, कि एक हमें कटी पतंग की तरह हवा में नहीं उड़ना है पर स्थिरता होनी चाहिए, तो उसका प्रयास मैं कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो जैसे कि ललिता प्रिया ने शुरुआत में आपको कहा कि जब हमारे हृदय में एक तड़प हो कि हे प्रभु भगवान आप कौन हो, आप कहाँ हो, मैं आपके साथ संपर्क कैसे कर सकता हूँ, तभी भगवान हमें उनके एक प्रतिनिधि यानी गुरु से जोड़ दे। ये एक अंदरूनी क्रिया है, तो इसे हम गूगल सर्च से गुरु को नहीं पा सकते। अगर आपको गुरु बना है तो गूगल सर्च से नहीं मिलेंगे, बाकी बहुत सारी चीज गूगल सर्च करके आपको मिलेगा, मगर गुरु बना है तो आपको क्या करना है, सोल सर्च यानी अपने अंदर जाके देखना पड़ेगा, अपनी आत्मा के अंदर टटोल के देखना पड़ेगा। कि जैसे कि ब्रह्मा जी के साथ हुआ, ब्रह्मा जी जब भी प्रकट हुए वो कमल के फूल के ऊपर, तभी वो भी नहीं जानते थे कि उनके जीवन का मतलब क्या है, उन्हें करना क्या है, कुछ नहीं जानते थे, और वो ऊपर नीचे देख रहे थे, सब अंधकार ही अंधकार था, कुछ था ही नहीं। तो बोले मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करना है मुझे, ये प्रश्न उनके मन में प्रबल तरीके से उठा, तो केवल एक आवाज उन्हें सुनाई थी, और वो था तप, तपस्या। और ये उन्होंने मान लिया कि ये उन्हीं की आवाज है जिन्होंने मुझे मेरी सृष्टि की है, तो उन्होंने पूरी प्रामाणिकता से तपस्या करना शुरू की। तो ये भगवान के नाम को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें भी वही तपस्या करना, पर ये तपस्या करने का साधन प्रभुपाद ने हमारे लिए जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया, बहुत सीधा बात है, एक आपको समझाता हूँ। एक श्लोक है भगवद गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्पदम्। इसका मतलब यही है कि हजारों में कोई एक व्यक्ति है जो मुझे तत्व में जानता है, यानी भगवान कृष्ण को, स्वयं कृष्ण बोलते हैं। तो अधिकतर लोग में भगवान में रुचि नहीं रखते, उन्हें सांसारिक चीजों में रुचि, दैनिक चीजों में रुचि, दुनियादारी में रुचि, भगवान में बहुत कम। तो भगवान के बारे में आप उनसे बात करो, आपको टाल देते हैं, आपको काट देते हैं। तो भगवान के बारे में जानने वाले, समझने वाले, उनके साथ वार्तालाप करने की आपकी इच्छा हो, तो ऐसे लोग संसार में आपको कम मिलेंगे, हजारों में शायद एक ही मिलेगा, मगर ऐसे हजारों में एक हजारों करके प्रभुपाद के मंदिर में मिलेगी। ये बड़ी भगवान की, प्रभुपाद की हमारे लिए बड़ी देन, उन्होंने इतने मंदिर स्थापित किए, और इन मंदिरों में हमें भक्तों का संग, तो वो संग जो है इतना प्रभावशाली होता है कि वो हमारे अंदर के अनर्थों को, जैसे कि बाढ़ में पानी आए तो वो सबको धो लेके जाती, सबके सबको धो डालती है, सबको डुबा देती है, इसी प्रकार से जो अनर्थों को जो हमारे हृदय में भरा हुआ है, ये भगवान के हरिनाम का भाड़, भगवान की भक्ति का भाड़, भगवान के प्रेम संकीर्तन का भाड़ जो है, ये सबको मार के उड़ा लेके जाता है और परिशुद्ध करके हमें छोड़ देता है। ये इसकी विशेषता है। इसीलिए मंदिर में आना, भगवान की मूर्ति का दर्शन करना, श्री विग्रह का दर्शन करना, भक्तों का संग करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसमें मैं अपना जो अनुभव इस प्रकार से शेयर करता हूँ, पहले 4 साल मैं जो मंदिर में आया, 1990 से 94, मैंने भक्तों का संग नहीं किया, क्योंकि जब मैं एक बार संडे को मंगल आरती में गया था तो देखा ये पूरा जो भीड़ है, जो भक्तों का जो संघ है, प्रभुपाद से लेके राधा गोपीनाथ तक और राधा गोपीनाथ से लेके प्रभुपाद तक आगे पीछे दौड़ने लगे, नृत्य करने लगे। तो मैंने देखा ये कैसे लोग है भाई, वैसे तो दिखते हैं बहुत साधारण और अच्छे लोग, मगर इनको कुछ पागलपन लग जाता है और ऐसा नाचते हैं, गाते हैं, दौड़ते हैं। नहीं, मुझे जरा इन लोगों से दूर रहना है। मैं थोड़ा डर गया था और मैं थोड़ा पीछे हट गया। मैं बोला देखो ये शाम का जो लेक्चर है ये अच्छा है, तो हफ्ते में एक बार लेक्चर सुनने का, और रात भर मैं भगवद गीता पढ़ता था, रात को 2 बजे तक बैठ के भगवद गीता का स्टडी करता, बहुत ही इंटरेस्ट आया। फिर मैं इसको बुलाता था ललिता को,
भाई तू भी चल मंदिर आ जरा, सुन जरा, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। वो नहीं आई, नहीं, सास है, ससुर है, घर में बच्चे हैं, काम है, किचन में काम है, बोल के आप जाओ करके बोला। मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम्हें भी बुला रहा हूँ, मगर देखो हर व्यक्ति तभी मंदिर आएगा जब उसका समय योग्य रहेगा, जब भगवान निर्धारित करेंगे, जब भगवान अनुमति देंगे तभी आएगा। मैं तो बुला रहा था, पर मेरा बुलाना कोई काम का नहीं था, पर 1994 में वो आ गई मंदिर, और जब ही वो मंदिर आई तो तूफान मेल की तरह ऐसे वेग से आई हो, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा को धरने के लिए शिव जी का जटा की जरूरत पड़ी, वैसे मेरे को बाकी लोग बोलने लगे, अरे भाई तू थोड़ा स्पीड बढ़ा, पत्नी इतनी आगे जा रही है, यू शुड ऑल्सो मेक पिकअप योर स्पीड। तो मुझे उसका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला और उसके वजह से ही मैं भक्तों के संग में आया। फिर हम रोज आने लगे, पहले तो मैं हफ्ते में एक बार आता था, फिर रोज आने लगे, उसमें इतना फर्क पड़ा कि केवल 3 महीने के अंदर 16 माला पर आया, और पहले 4 साल में मैं खाली 4 माला पर आया, और वो भी ऐसे इतने श्रद्धा से नहीं, ऐसे ही करता था, क्योंकि बोलते हैं इन लोग माला जपो क्या है माला में पता नहीं, ऐसे करके करता था। पर जब ये भक्तों के संग में आया तो ये भक्तों का संग क्या है, ये एक डॉक्टर का इंजेक्शन की तरह, वही दवाई आप अपने मुंह से खाते हैं, कभी कभी पचन होता है नहीं होता है, कभी उल्टी भी हो जाता है, पर जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो आपके खून में उतर देता है और वो आपके शरीर में बराबर काम करने लगता है। तो ये भक्तों का संग डॉक्टर के इंजेक्शन की तरह, वो आपके अंतःकरण में ऐसी एक श्रद्धा उत्पन्न कर देता है कि शास्त्रों के वाक्यों को आप अपने जीवन में अनायास ही उतारने लगे। ये इसकी बड़ी लाभ है भक्तों के संग। और क्योंकि भगवान का वो अपना वो फेमस एक श्लोक तो आपने सुना होगा, न हम तिष्ठामि वैकुंठे न योगी हृदये शुवा मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद मुनि को स्वयं भगवान नारायण ही बोलते हैं कि मैं न वैकुंठ में मिलूंगा तुम्हें, ना योगियों के हृदय में भी मिलूंगा, क्योंकि कहते हैं कि योगियों के हृदय में भगवान वास करते, भगवान वैकुंठ में वास करते, और बात तो सच है। फिर भी भगवान बोलते हैं नारद मुनि को, मैं वहां नहीं मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा, मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त सामूहिक रूप के कीर्तन करते हैं और जप करते हैं, मेरा नाम पुकारते हैं, उनके बीच में आप मुझे पा सकते हो। और ये बात बिल्कुल 100% सच, क्योंकि देखिए जब हम भक्तों के संग में आते हैं और इस प्रकार के क्रियाओं में भाग लेते हैं, सेवा में लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में इतना फर्क आता है कि वो सभी चीजें जो हमें करने के लिए इतनी कठिन होती थी वो अभी बहुत आसानी से होने लगती है, क्योंकि अंदर का द्वार खुल जाता है। हमारा अंदर का द्वार जब तक बंद है, बाहर कोई प्रवचन में कुछ भी बोले भीतर उतरता नहीं, पर भगवान अंदर के द्वार को खोल देते हैं, सारी बातें अंदर उतरने लगती है और आपको उसे लागू करने में कोई प्रयास नहीं, कोई कठिनाई नहीं। ये मेरा अनुभव है जो मैंने शेयर किया, तो हो सकता है किसी और का अनुभव में कोई फर्क भी हो, पर मैं बहुत बड़ी विनम्रता के साथ आपके सामने यह रखता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, आज आपने बहुत खजाना खोल दिया हमारे लिए दोनों ने, तो थैंक यू सो मच। और भक्तों के संग के बारे में जो बताया वो ध्यान में रख के भक्तों का संग ले लेंगे और प्रयास करेंगे प्रभु जी कि हरि नाम ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, और ये भी तो बहुत अच्छा। इसीलिए इसीलिए प्रभुपाद ने हमें बताया है कि नियम से मंदिर आया करो, और जब भी हम वो करने लगते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन परिवर्तन आराम से आ जाता है और प्रगति होने लगती है भक्ति में। भगवान को हम अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, भगवान थैंक यू सो मच। को हम अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, हमारी बुद्धि क्या है इसके बारे में मैं कभी और चर्चा करूंगा आपके साथ, मगर केवल श्रद्धा से ही हम भगवान के आश्रय ले सकते, तो ये हमें चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, कठिन और श्रद्धा भक्तों के संग में, कार्य भी सहज हो जाता है ये जो आपने बताया। कुछ कुछ अनुभव होता है लेकिन पूरी तरह से आपको देख के ये कन्विक्शन आ गया कि
सच में भक्तों का संग लेना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए और भगवत गीता सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच थैंक यू। फिर से सुनने को मन है, सबका होगा। फिर से आपको सुनने का मन है तो फिर से आप टाइम निकाल के हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका संग मिला मुझे, मैं इसे एक भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बारामती के जो आपका भक्त वर्ग है, मैंने सुना है कि यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ही प्रगतिशील है। हमारे वहाँ कई ब्रह्मचारी भी आके गए हो, तो वो बोलते थे कि वहाँ क्या कोचिंग क्लासेस वगैरह क्या क्या शुरू कर दिया है, बहुत एजुकेशनल फैसिलिटीज भी आपने बढ़ाया है। तो थैंक यू कि आपके समूह में एक बार आने का मुझे अवसर मिला जूम कॉल। हरि बोल। अजुना एक प्रश्न कोणाला। एक मिनिट कोण तरी बोलतय ना, म्यूट करते। नाही थांबूया मग, कोणाला काही प्रश्न नसतील तर। चालेल, अरे ओके, थैंक थैंक यू यू, प्रभुजी ओके, माताजी। थैंक यू सो मच। टाइम भी हो गया, अभी 7:44 हो गया। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे 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 कृष्णा, कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभुजी माताजी। हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रणाम।